नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त तिलकराज। दोस्तों आप सब राजी खुशी होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो जैसा मैंने कल वीडियो बनाई थी, अपने पौधे दिखाए थे, तो मैंने बताया था कि रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि पीछे काफ़ी समय बर्बाद हो गया, फूलों के चक्कर में लगा रहता था। तो उनका तो काम फूलों का लगभग पूरा हो चुका है, अब उन्होंने जो काम करना वही करेंगे। तो ये दोस्तों ये पौधा देख रहे हैं आप, जैक फ्रूट का। तो ये ऑनलाइन मंगवाया था कलकत्ता से। बहुत से मेरे दोस्त पूछते हैं, कमेंट्स करते हैं, सर कौन सा पौधा कौन से नर्सरी से बढ़िया आएगा। अब ये तो पता नहीं है कौन सी नर्सरी से मैंने मंगवाया था, लेकिन जो सबसे अच्छी नर्सरी लगी मेरे को, डी दास नर्सरी अच्छी लगी। और बहुत से लोग पूछते हैं सर कहाँ से पौधा लाएं, तो उनका जवाब मैं नहीं दे पाता, लेकिन वीडियो के अंदर ज़रूर बता देता हूँ। तो अगर मेरे को जो भी अच्छी से अच्छी नर्सरी लगी है, चार पांच नर्सरियों में, तो डी दास नर्सरी ही अच्छी लगी है। तो इस पौधे के बारे में दोस्तों बता रहा था, इसको लगभग आए हुए 1.5 साल से ऊपर हो गया और इसकी ढंग से ग्रोथ नहीं हो रही थी। अब ग्रोथ नहीं हो रही तो पौधे तो काफ़ी मेरे पास है, अगर देखा जाए तो चारों साइड हो गए पौधे हैं। तो जब एक हाथ पौधे की ग्रोथ ना हो तो ज़्यादा ध्यान नहीं करता, अगर दो चार पौधे लगे हो तो उसके अंदर किसी की ग्रोथ ना हो रही हो तो फोकस जाता है हर बंदे का कि ये ग्रोथ क्यों नहीं करता। तो जब ये कोई भी पौधा हो, जब ग्रोथ करना बंद कर दे अपनी, ना बढ़ रहा हो, तो इसमें सबसे ज़्यादा समस्या आती है इसकी जो रूट होती है उस पर फंगस लगने की। या थोड़ी बहुत समस्या होती है मिट्टी की, लेकिन मिट्टी की इतनी ज़्यादा समस्या नहीं होती जितनी पौधे की रूट के अंदर फंगस लग जाती है। तो इसके पत्ते देखो कुछ जल रहे हैं, मतलब जिस तरह से इसको होना चाहिए था ये उस तरह के कुछ पत्ते पीले पड़ रहे हैं, कुछ इसके सुकट रहे हैं। तो जिस तरह से इसको बढ़ना चाहिए 1.5 साल में, ये ज़रा भी नहीं बढ़ा। तो इसके लिए क्या करा मैंने कि इस बड़े पोट में से कल निकाल के एक छोटे पोट में लगा दिया, रिपोर्टिंग कर दी है, और मिट्टी के अंदर और इसकी रूट के अंदर फंगीसाइड पाउडर और एप्सम साल्ट, ये दो चीज़ें डाल दी है। तो ज़्यादातर तो दोस्तों मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ अपने प्रैक्टिकल के आधार पे ही बनाता हूँ, प्रैक्टिकल के आधार पे सारी उसकी मैं जानकारी देता रहता हूँ। तो बहुत जल्दी ये रिकवर हो जाएगा फंगीसाइड पाउडर से और एप्सम साल्ट से। तो जो भी मेरे दोस्त गार्डनिंग करते हैं उनमें ये समस्या आती है, कई बार पौधे ख़राब हो जाते हैं, अपने आप ही मर जाते हैं, नहीं चलते। तो उसके लिए ये दो चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी है दोस्तों, एक फंगीसाइड पाउडर और एक एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट तो जो आपके पत्ते पीले पड़ जाते हैं उसको भी ग्रीन कर देता, और डायरेक्ट मिट्टी के अंदर ये दोनों चीज़ें मैंने मिला दी थी, फंगीसाइड पाउडर भी और एप्सम साल्ट भी। तो मिट्टी के अंदर मिलाने से सीधा इसकी जो मिट्टी रूट के अंदर फ़र्क पड़ेगा और रूट से सारा काम होता है। कुछ लोग कहते हैं कि पत्तों के ऊपर छिड़काव करो, तो पत्तों के ऊपर छिड़काव करने से इतनी जल्दी काम नहीं करता जितना डायरेक्ट रूट के अंदर ये काम करता है।
तो मरते हुए पौधे को आप ऐसे बचा सकते हैं। इससे पहले मैंने एक सेम प्रॉब्लम अमरूद के पौधे के ऊपर भी थी, इसके सारे पत्ते काले पड़ गए थे और ग्रोथ बिल्कुल होनी बंद हो गई थी, नया पत्ता नहीं आ रहा था। तो जब एक महीना पहले इस पर ट्राई करी, ये दोनों चीज़ें मैंने डाली, तो उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो गई है, नए नए पत्ते आने शुरू हो गए। तो उसको भी दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, अमरूद का पौधा था वो मेरा। तो इसके साथ ही दोस्तों को बता दो, ज़्यादातर मेरे पास बड़े फ़ोन आते हैं पौधों के बारे में पूछने के लिए। तो वैसे तो मैं अपना फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग इतने आलसी होते हैं, वहाँ तक नहीं पहुँचते। तो मेरा नंबर है 704-2930-423 लास्ट में। तो यहाँ फ़ोन करके मेरे से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि कॉमन कर दे कई कुछ लोग कर देते हैं, वो इतना टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने का और पढ़ के फिर उसको बताने का कि कहाँ बताएं और कहाँ ना बताएं। तो कोई भी समस्या हो तो अगर आप फ़ोन कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो और सीड के बारे में बताऊं, अगर अपराजिता के, तो अभी अगस्त का महीना चल रहा है, सितंबर के महीने में लास्ट तक तैयार होंगे और पहली अक्टूबर के बाद ही लोगों को मिल सकेंगे। तो अक्टूबर से लेके फरवरी तक ये सीड आते हैं। तो सिर्फ ये साउथ की साइड में पौधे ज़्यादा हर महीने पूरे साल भर चलते हैं, बाकी नॉर्थ साइड पे ये फरवरी से ले के सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लास्ट नवंबर, 15 नवंबर से पहले फूल आने बंद हो जाते हैं। तो वैसे भी अगस्त का महीना चल रहा है तो सीड लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, 2-3 महीने लग जाते हैं फूल आने में, और जब तक फूल आएंगे नहीं उससे पहले सर्दी आ जाएगी और फूल आपका पौधा तो ग्रो कर जाएगा लेकिन फूल नहीं आएंगे। तो थोड़ा अपना धीरज बनाए रखें और अपने जो भी अपरास्ता के अगर सीड लगाने हैं तो फरवरी से ही शुरुआत करें, क्योंकि ज़्यादातर नॉर्थ साइड के मांगते हैं, साउथ साइड के तो उनके पास बहुत ऐसे सीड होती है। तो कोशिश करता हूँ आपको पौधा दिखाने की।